नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश किस कदर हो रही है ये आपने देखा। 10 सितंबर को जबरदस्त बारिश हुई और सुबह सवेरे से जो बारिश होना चालू हुई तो लगातार ही बारिश होती रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया जाता है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता दें, बुधवार 11 सितंबर और बृहस्पतिवार 12 सितंबर को किस तरह का मौसम का पूर्वानुमान रह सकता है। रात 12 बजे का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। 12 बजे रात के लगभग कहानी घनसौर में जबरदस्त तरीके से बारिश होती दिख रही है, जो रात भर बारिश इस क्षेत्र में हो सकती है, साथ ही केवलारी क्षेत्र में भी बारिश होने की उम्मीद। 1 बजे दिन में, 1 बजे के पहले बूंदाबांदी होने की संभावना है, 1 बजे के बाद फिर बारिश कुछ तेज होने की संभावना है, जो शाम 7 बजे तक रह सकती है। इसके बाद मौसम थोड़ा सा खुल सकता है और रात 12 बजे तक मौसम खुला रह सकता है, पर बुधवार को भी बारिश अच्छी खासी होने का अनुमान मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है। बृहस्पतिवार को 11 बजे के लगभग जिले भर में बूंदाबांदी होने की संभावनाएं और 2 बजे के बाद केवलारी, छपारा, घनसौर, इन क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं। बृहस्पतिवार को दोपहर 3 बजे के लगभग, 4 बजे के बाद कुरई, खवासा क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। वैसे बारिश लगातार जारी है। अब हम आपको इसके बाद बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं कि बिजली की कड़कन तड़कन किस तरह की रह सकती है। रात 11-12 बजे के लगभग कहानी घनसौर, बरेला, इन क्षेत्रों में बिजली की कड़कन तड़कन बहुत तेज सुनाई दे सकती है। कुछ समय के लिए रात के समय यहाँ पर बिजली की कड़कन तड़कन सुनाई दे सकती है। इसके बाद लगभग पूरा बादल शांत रहने की उम्मीद और 2 बजे के लगभग बिजली चमकने केवलारी, कानीवाड़ा, सिवनी, बरघाट, अरी, गंगेरुआ, कोरई, खवासा, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बिजली चमक सकती है। 12 तारीख अर्थात बृहस्पतिवार को रात में बिजली की चमक शायद ही दिखाई दे और दिन में 12 बजे के लगभग कुछ जगहों पर बिजली की चमक, उसके बाद पूरे जिले भर में बिजली की हल्की फुल्की चमक दिखाई दे सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके बाद अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं, 2 दिन तक तापमान किस तरह का रह सकता है। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। इसके उपरांत सुबह सवेरे 5 बजे के लगभग 24 से 25 अर्थात रात में भी आपको गर्मी महसूस हो सकती है। 10 बजे के लगभग उमस महसूस हो सकती है। 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 3 बजे दिन में 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद और इसके उपरांत 8 बजे रात को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह 5 बजे 12 तारीख को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 12 तारीख को 10 बजे के बाद हल्की फुल्की उमस महसूस हो सकती है। 11 बजे दिन में 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 4 बजे शाम को तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और रात 8 बजे के लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। इसके बाद अब हम आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। रात 12 बजे का ये नज़ारा, हल्की फुल्की हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कहानी घनसौर, लखनादौन, धूमा, इन क्षेत्रों में चलती हुई दिखाई दे रही हैं और हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, रात 12 बजे के लगभग हवाएं चलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। हवाएं चल सकती हैं, रात भर चल सकती हैं। सुबह 7 बजे के बाद हवाओं की गति हल्की फुल्की बढ़ सकती, बहुत ज़्यादा हवाएँ तेज तो नहीं पर हल्की फुल्की हवाएँ चल सकती हैं और हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने की संभावनाएं मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई हैं। दिन भर हवाएं चलती रहने की उम्मीद। रात को एक बार फिर 7 बजे के बाद हवाएं हल्की फुल्की तेज चल सकती हैं और 12 तारीख अर्थात 12 सितंबर को
रात में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद नहीं और हवाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होने की संभावनाएं मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई हैं और 12 बजे के बाद हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व होने की एक बार फिर उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दी गई। 7 बजे के बाद शुक्रवार को भी हवाएं तेज चल सकती हैं सुबह 7 बजे के बाद। वैसे हम आपको 11 और 12 तारीख का हमने आपको मौसम का पूर्वानुमान फिलहाल बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन, अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान लेकर। जय हिंद।